रिजवान साहब ना मेरे पास है, खर्च करे ना, मैं आता हूँ, मैंने फर्स्ट एड दी या मैंने देखा कि सीना से भी नहीं है और मैंने कोई तौर पर दो तरह के, इसको हम कहते हैं मूवमेंट, क्या पेशेंट की मूवमेंट, विक्टिम की मूवमेंट, दो तरह की मूवमेंट होती है, एक होती है एमरजेंसी मूव्स, दूसरे होते हैं नॉन एमरजेंसी मूव्स। एमरजेंसी मूव्स अगर फील ना करे तो नीचे लेट जाए, सकते मेरे सर कर गया, मैंने देखा कि यार पूरा स्ट्रक्चर जो है ना अनसेफ है, लेकिन पीछे जो स्ट्रक्चर है ना थोड़ा सा वीक है, ये नाव के पूरी इसका नुकसान रख दिया है। बस अच्छा, ये जिस फर्श के ऊपर लेटे हुए हैं ये भी हमवार है, गैर हमवार नहीं है, तो मजीद अगर इनको मैं खींचता हूँ वहां लेके जाता हूँ नुकसान नहीं होगा, वो मैं उठा तो नहीं सकता है ना, अगर इससे बेहोश है मैं क्या करता हूँ, सीन देखा सारा कुछ इनके ना, ये बेहोश है, ये बेहोश बंदे के लिए है, एमरजेंसी मूव्स बेहोश बंदे के लिए, ये बेहोश। अब ये मेरी ना सर वाली साइड की ना मेरी तरफ आ गई है, टाइम सेव करने के लिए मैं इनको मोड़ता नहीं हूँ, मैं क्या करता हूँ इधर से ऐसे पकड़ा, मैंने शर्ट से पकड़ लिया, ऐसे पकड़ लिया, पकड़ने के बाद ना ये वाला जो पाँव है अपनी सेफ्टी के लिए ऐसे पीछे चेक कर लिया, अब ये दोबारा खड़ा कर लिया, खींच लिया, खींचने के बाद ना अब क्या करूँगा इस पाँव से ऐसे चेक कर लो, जैसे वो पीछे है ना, अगर होगा मुझे पता चल जाएगा, हो सकता है कि विजिबिलिटी वहां बराबर ना हो, ये वाला आपने काम कर लिया, अब कर लिया मैंने, अब ये वाला खड़ा कर लिया, इससे इसी तरह ना जहां तक लेके जाना ऐसा जल्दी जल्दी कर, अगर यही काम फर्ज करें ये पाँव वाली साइड आ जाती है तो पाँव वाली साइड से कर लो, ठीक हो गया। अब फर्ज कर लेते हैं कि ये होश में जिसम ढीला है, प्रॉपर तरीके से खड़े नहीं हो पा रहे, मैं आया हूँ वजन में हल्के हैं, शर्त क्या होनी चाहिए, थोड़ा सा वजन में क्या है, वजन में हल्के हूँ, बहुत ज्यादा वजन की। अब ये है ना ऐसे पाँव रखा मैंने, बाजू ऐसे पकड़े मैंने, ऐसे इनको बिठाया, अब देखे ना स्लिप हुआ, अगर ये वाला काम ना करता तो इन्होंने ना मजीद स्लिप हो जाना था, यहाँ से हाथ डाला ऐसे इन्हें खड़ा कर लिया, उसके बाद फौरी तौर पर ये बाजू जो है ना ये ऐसे, ये क्या था कि मुकम्मल बेहोश नहीं है, नेम बेहोश होंगे या थोड़ा बहुत तामन कर सकता, ये है नॉन एमरजेंसी मूव, पहले वाला था एमरजेंसी, इसको हम कहते हैं फायर फाइटर, क्या कहते हैं फायर फाइटर, ये हाथ में इसलिए रखा हुआ है कि इनको सहारा मिल जाए, बस में अगर मेरी कोई किट होती साथ में तो वो किट में कैरी कर सकता, तो ये फायर फाइटर मैथ, ठीक है, आसानी से आप लेके इसे जा सकते, क्लियर हो गया। अगर ये ऑलरेडी ना खड़ी हालत में मुझे मिलते सावर कर सकते, इस तरह है मैंने कहता जी पाओ अपने ना खोल लिए ऐसे आगे के आगे खड़ा हो गया, थर की तो नहीं साहब ऐसे ना ऐसे आगे खड़ा, आप कोशिश करें कि ये जो जोड़ है ना जोड़ इसके ऊपर अपना हाथ डाले, क्रॉस भी कर सकते हैं आप इस तरह, ठीक है आपकी मर्जी सीधा सीधा, ठीक है वैसे क्रॉस कर लेता बड़ा इजी हो, ऐसे क्रॉस करें जोर से ऊपर पड़ा इनको ऐसे उठा बोरी की तरह, इसे कहते हैं बैक स्टेप कैरी, बैक स्टेप कैरी। अगर वजन में बिल्कुल ही छोटा बंदा हल्का है या बच्चा है तो आप बच्चे की तरह, अच्छा वीडियो ना अगर अपलोड कहीं करनी हो ना कट शट कर दीजिए, नहीं नहीं वो नहीं अपन ट्रेनर ना ट्रेनर सर मेन गदर में होता ही हुआ है जो ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं, वो इसलिए थोड़ा सा ना ऐसे करना पड़ता है, सुल्तान ने ना फिल्में देखी हो अजमल को उठा लेते थे, हाँ जी ठीक है, लेकिन वो आपने इतना मजा नहीं बंदा नहीं उठाना छोटा बच्चा, उसको कहते हैं बेबी कैरी या क्रेडल मेथड ना, ठीक है आपने बेबी कैरी ऐसे हाथ रखा थोड़ा आगे ऐसे हाथ रखा बैक पे, उसके बाद ये जगह जिसमें बिल्कुल ढीला छोड़ दिया इतमाद करना धीरे छोड़ बेबी कैरी ऐसे उठो बेबी कैरी, ठीक है बेबी तो नहीं है इसलिए धीरे तो वजन में जो बिल्कुल हल्का बंदा हो या बच्चा हो उसको आप इस तरीके से, क्लियर है। अब ये मैं अकेला था, क्या था अकेला, अगर दो बंदे हो जाए फिर थोड़ी सी आसानी है, अगर सर नीचे जगह बराबर नहीं है हाँ जी उसको उसको फिर किस तरह, फिर जैसे वो मैंने फायर फाइटर वाला बताया ना कोशिश करें उस तरीके से उठाने, ये भी मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा ये भी रिकमेंडेड है, लेकिन ये लिस्ट पर रेट पे आ जाता है वो अनकॉन्शियस जगह बहर हमवार है तो आप इस तरीके से दोबारा से एक और भी ऐसा तरीका ना, तरीका वही है सेम लेकिन इकट्ठा करने का, बड़े बंदे को इकट्ठा करने का, मैंने ऐसे पाँव रखा ना रखा आप मैं इसको ऐसे भी खड़ा कर सकते हैं, लंबाई उसकी ज्यादा
उसकी क्या हाइट ज्यादा है, तो आप ये वाला काम भी कर सकते, ये वाला काम किया ताकि आसानी से बैठा यार तो बैठा तो होश है, अब ये देखे काबू आ गया, उसको ऐसे खड़ा करें और फौरी तौर पर अपने को बैठा, क्लियर है, इस तरह भी उठा सकते। तो फिर आपने ये फायर कटिंग करने वाला काम, फायर कटिंग जगह जिसे ना अगर हमार जगह हो तो कैसे, अगर हमार जगह हो तो फिर ये वाला तरीका कर ठीक हो, और उसके अलावा अगर ये जो मैंने फायर कटिंग कर किया था इसमें थोड़ा बंदा बसरी बंदे को भी हम उठा, हल्का हो खड़ा बंदा है आप बैठ जाए, तो मैंने पहले कहा अच्छा, अब हमने देखा कि भाई दो बंदे हैं मदद करने वाले, फिर आसानी हो जाए, तो मजबूरी थी अकेला था जो आपने कहा था ना कि होंगे अकेले, मैं अकेला था, अगर दो बंदे हैं फिर आप हम क्या करते हैं फिर हाथों की ना सीढ़ी बना देते हैं, आप आए जरा हमें देखा कि बहुत ज्यादा वजन नहीं है इनका, मैं अपना हाथ भी स्पेयर रखना चाहता हूँ ये भी अपना रखना चाहते हैं, कोई चीज उठानी है कोई सामान कोई दवा खोलना, इसलिए हम क्या करते हैं हाथों की ना सीढ़ बना देते हैं ऐसे, ये वैसे खोल अगर खुल जाता तो खोल लिया, ये ऐसे ना ये ऐसे पकड़ता है, हाथ हमने ना ऐसे नहीं रखे ऐसे रखे, और ये जितना क्लाई के करीब रहेगा उतनी मजबूती मिल होगी, ठीक है आप आगे आओ, इसको ये होश में जो बंदा होश में है जो आपके साथ ऑपरेट करता है ऐसे रखेंगे, एक मिनट यार ये यहाँ पर ना मैंने कहीं पढ़ा कि वजन उठाते हो ना लिखा हुआ था प्रॉपर पोजीशन, आप इन्हें ऐसे नहीं छोड़ना, ठीक है ऐसे मेरी तरह ऐसे नीचे जाना, कोई भी वजन उठाते हैं ना ऐसे उठाना, ऐसे कागज क्यों उठाना, तो आपने इसी तरह ना इसी तरह नीचे है और नीचे है, मैं आपको आवाज दूंगा 1 2 3 आप फिर मेरी ऐसे कर आप भी करो, ठीक है 1 2 3 आप 1 2 3 तो हम क्या करेंगे तीन हाथों की सीट बना देते हैं, ऐसे पकड़ा मैंने अपने दाएं हाथ से बाएं कलाई को पकड़ा, अब जो साथी खड़े हैं उनके साइड पे ना वो वाला जो बाजू है नहीं छोड़ रहा, इसने पकड़ा आप ये मेरी इस कलाई को पकड़ लो इस बाजू से, अगर फर्ज करें इस बाजू से पकड़ता तो क्या होगा इसका मूवी हो जाएगा मेरा, इसलिए मैंने कहा कि इस बार ऊपर से सीधा लगाना है ऐसे ऐसे, ठीक है ऐसे भी आप पकड़ सकते हो, उसको नुकसान क्या होगा इसके वजन आएगा नीचे नीचे आएगा, इसलिए आपने ऐसे मेरे अब ये हाथ फ्री है ना थोड़ा सा मैं ऐसे, अब ये क्या हुआ तीन हाथों की सीट बन सीट बन जाए, इसको हम कहते हैं थ्री हैंड सीट, ऐसे अगर इससे भी थोड़ा सा और ज्यादा वजन बंदा हो या सफर ज्यादा हो फिर हम चार हाथों की सीढ़ी बना सकते हैं, आप अपने दाएं हाथ से ना बाएं कलाई को पकड़ो, कलाई को पकड़ो एक कलाई को पकड़ो ऐसे, ठीक है मैं भी इसी तरह ही करता हूँ, अब एक एक हाथ फ्री हो गया ऐसे ही बाड़ी चार ठीक आ जाओ आप आ जाओ फिर आप इस तरह आप भी आ जाओ, आपने इनके साथ जो है बल्कि आप रहने दो, आप दोनों ना तीन हाथों की सीट बना लिया, तीन हाथ और तीन हाथों की सीट, तीन हाथों हाँ बैठ के बनाओ दोबारा, क्या खड़े खड़े साथी भी ना बैठ सकते हैं, दो दो बड़ी बन जाए छोड़ दे ठीक है, दो दो क्यों ना बड़ी बन जाए, आपने क्या करना अपने दाएं हाथ से बाएं कलाई को ऐसे पकड़ना, पकड़ लिया अब फर्ज करें इनके साथ दूसरा साथी मैं हूँ तो जो मेरा बाजू इनकी तरफ है वो वाला बाजू मैं इनको ना ऐसे करो उससे आप पकड़े लो, जो कलाई इनकी फ्री है ना उसको पकड़ो, अब यह क्या करते हैं ये थोड़ा सा टेढ़ा होके इस कलाई को पकड़े, थ्री हाथों की जो है ना थ्री एंड सीट थोड़ी मुश्किल होती है इसलिए, हाँ ठीक अब थोड़ा सा आपको थोड़ा सा टेढ़ा होना पड़ेगा ये जगह क्लोज है इसको पकड़े ये तीन इधर आ जाओ थोड़ा सा इधर आ जाओ।